इग्नेशाय नमो नमः। मित्रों, अनोखा संगम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विषय में। आज के पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की विस्तृत जानकारी के साथ साथ आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त, अशुभ समय राहुकाल, आज के दिन और रात का चौघड़िया और आने वाले दिनों के व्रत और त्योहारों के बारे में पूरी पूरी जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं आज का शुभ पंचांग। सबसे पहले आज का सुविचार, मनुष्य का अमूल्य धन उसका व्यवहार है। इस धन से बढ़कर संसार में कोई धन नहीं है। व्यवहार कुशल बने रहिए, सदैव प्रसन्न रहिए, आपका हर पल सुंदर हो। आज की तारीख 7 सितंबर 2022, आज का वार बुधवार। आज विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, गुजराती संवत 2078 और कली संवत 5124 चल रहा है। आज भाद्रपद माह का 27वां दिवस है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी 12:04 मध्य रात्रि तक रहेगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज के सूर्योदय का समय है 6:02 सुबह। सूर्यास्त का समय 6:36 शाम को रहेगा। आज के चंद्रोदय का समय है 4:44 शाम को। चंद्रास्त का समय 3:22 अगले दिन सुबह तक होने वाला है। आज चंद्रमा मकर राशि में विराजमान है। आज सूर्य सिंह राशि में विराजमान है। आज का सूर्य नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। आज चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में 4 शाम तक रहने वाले हैं। इसके बाद चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में विराजमान हो जाएंगे। आज का पहला कर्ण भव 1:35 दोपहर तक रहने वाला है। आज का दूसरा कर्ण बालव 12:04 मध्य रात्रि तक रहेगा। तदुपरांत कौलव कर्ण प्रारंभ हो जाएगा। आज के व्रत और त्योहारों में आज 7 को वैष्णव परिवर्तनी एकादशी है। कल की द्वादशी है, वामन जयंती भी है। कल 8 को प्रदोष व्रत, 9 को अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन होगा। आज का योग सौभाग्य 1:16 अगले दिन सुबह तक रहेगा। इसके बाद अतिगंड योग प्रारंभ हो जाएगा। मित्रों, आज उत्तर दिशा में यात्रा न करें, क्योंकि उत्तर दिशा में आज है दिशाशूल। यदि आवश्यक हो यात्रा करना, तब धनिया, तुलसी और तिल खा करके यात्रा के लिए जाना चाहिए। आइए जानते हैं सौभाग्य योग के बारे में। यह योग सदा मंगल करने वाला होता है। नाम के अनुरूप यह भाग्य को बढ़ाने वाला है। इस योग में की गई शादी से वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है, इसीलिए इस योग को मंगलदायक योग भी कहते हैं। लोग मुहूर्त तो निकलवा लेते हैं, परंतु सही समय में परिणय सूत्र में नहीं बंध पाते। अतः वैवाहिक सुखमय जीवन के लिए सौभाग्य योग में ही विवाह बंधन में बंधने की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। यदि आपकी कुंडली में है सौभाग्य योग, तो आप काफी बातूनी व्यक्ति हो सकते हैं। आप अपने भाव, विचारों और बातचीत से दूसरे लोगों को प्रभावित करते हैं। वित्तीय मोर्चे पर आप लोगों को आर्थिक लाभ और वृद्धि प्राप्त होने की संभावना है। आप अपने परिवार को आरामदायक जीवन देने के लिए हमेशा प्रयासशील रहते हैं। आज का शुभ समय आज का विजय मुहूर्त 2:25 दोपहर से 3:16 दोपहर बाद तक रहेगा। आज ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:30 सुबह से 5:16 सुबह तक। आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं होता। आज का अशुभ समय आज का राहुकाल 12:19 दोपहर से 1:53 दोपहर तक रहने वाला है। आज यमगंड काल का समय रहेगा 7:36 सुबह से 9:10 सुबह तक। राहुकाल और यमगंड काल में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य शुरू नहीं करने चाहिए। आज के अन्य शुभ योगों में से अमृत कालम योग 10:11 सुबह से 11:38 सुबह तक रहने वाला है। मित्रों, आज है बुधवार और आइए जानते हैं बुधवार के दिन कौन कौन से कार्य करें, कौन से कार्य ना करें। इसकी प्रकृति चर है और सौम्य मानी गई है। यह भगवान गणेश जी का दिन भी है और साथ ही साथ दुर्गा का दिन भी है। जिन व्यक्तियों का मस्तिष्क कमजोर है,
बुद्धिमानी उनमें कम है उन लोगों को बुधवार के दिन उपवास रखना चाहिए, क्योंकि बुधवार के दिन बुद्धि की प्राप्ति होती है। आज के दिन सूखे सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। बुधवार को गणेश जी के और दुर्गा जी के मंदिर में भी जाना चाहिए। गणेश भगवान के मंदिर में जाकर के दुर्वा अवश्य ही चढ़ाएं। दक्षिण पूर्व नैऋत्य दिशा में आप लोग यात्रा कर सकते हैं। इस दिन जमा किए गए धन में बरकत बनी रहती है। ध्यान रहे आज के दिन बैंक में अकाउंट अवश्य ही खुलवाएं। ज्योतिष शेर दलाली जैसे कार्यों में भी आज का दिन शुभ माना गया है। ध्यान रहे आज के दिन उत्तर पश्चिम और ईशान दिशा में यात्रा न करें। बुधवार के दिन किसी विशेष प्रकार के धन का लेन देन नहीं करना चाहिए। बुधवार को लड़की की माता को सिर नहीं धोना चाहिए। कहीं कहीं ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से लड़की का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है या उसके समक्ष कोई कष्ट आ सकता है। आइए जानते हैं आज के दिन का चौघड़िया। आज लाभ समय रहने वाला है 6:02 सुबह से 7:36 सुबह तक। अमृत समय 7:36 सुबह से 9:10 तक रहेगा। शुभ समय 10:45 सुबह से 12:19 दोपहर तक रहने वाला है। चर समय अर्थात सामान्य समय 3:30 दोपहर से 5:03 तक रहेगा और लाभ समय 5:03 शाम से 6:36 शाम तक रहने वाला है। आज रात्रि के चौघड़िया में शुभ समय 8:03 शाम से 9:28 शाम तक रहेगा। अमृत समय 9:28 शाम से 10:53 तक रहने वाला है। चर समय अर्थात सामान्य समय 10:53 रात्रि से 12:20 मध्य रात्रि तक रहेगा। लाभ समय 3:11 अगले दिन सुबह से 4:37 तक रहने वाला है। ये था आज का शुभ पंचांग। आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें अनोखा संगम का चैनल और इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।